महिला दिवस के मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने 9 बसों को रवाना करके महिलाओं को तोहफा दिया। इन बसों का ग्रामीण रूटों पर संचालन किया जाएगा, जिनमें केवल छात्राएं ही सफर कर सकेंगी। इन बसों में हर सीट पर आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी बटन लगाया गया है, जिसका उपयोग छात्राएं किसी भी आपात स्थिति में कर सकती हैं। ऐसे में बटन दबाते ही बस में लगा रेड हूटर बचने लगेगा, जिससे चालक और परिचालक सतर्क हो जाएंगे, तुरंत बस रोककर समस्याओं की जानकारी ले सकेंगे। इसके अलावा बस में चालक सीट और अंतिम सीट के ऊपर एक कैमरा भी लगाया गया है, जिससे सफर के दौरान पूरी गतिविधियां कैमरे में कैद हो सकेंगी। वहीं चालक के लिए बस में वायरलेस की व्यवस्था भी की गई है, जिससे चालक आने वाले बस स्टॉप की पूर्व सूचना दे सकेगा। किलोमीटर स्कीम पर चलने वाली बसों के चालक निर्धारित स्टैंड पर कहीं नहीं रोकने के सवाल पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों की जांच की जाएगी। प्रदेश भर में निशुल्क चलने वाली बसों के कारण रोडवेज को जो घाटा होगा, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी, इस सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री ने कहा कि यह सोचना सरकार का काम है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिले को महिलाओं के लिए स्पेशल जो बसें दी हैं, 9 बसें आज आई हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारी जो महिलाओं को दिक्कत होती थी, उससे अब काफ़ी दिक्कत कम हो जाएगी, क्योंकि स्पेशली महिलाओं के लिए बसें चलेंगी और एक नारी सुरक्षा के लिए, और जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारी सरकार का नारा है, उसको साकार